मानव तस्करी, ड्रग्स, भूमाफिया, एक्सटॉर्शन, हत्या, अपहरण और अनगिनत काले कारनामों का बेताज बादशाह गायत्री मेहता, जिसे अदालत के कटघरे में लाना तो दूर, पकड़ना भी नामुमकिन था। पर इस नामुमकिन को मुमकिन करने के प्रयास में एक साहसी रिपोर्टर अक्षरा पटेल गायत्री मेहता का स्टिंग ऑपरेशन कर उसके काले कारनामों का चिट्ठा दुनिया के सामने लाने ही वाली थी कि इससे पहले उसे रास्ते से हटाने के लिए गायत्री मेहता ने उसकी कार की ब्रेक्स फेल कराकर एक्सीडेंट करा दिया। अक्षरा इस एक्सीडेंट में तो बच गई, पर गायत्री मेहता मौत बनकर उसके पीछे काले साए की तरह पड़ा था। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अक्षरा पटेल समेत 132 लोगों को जलाकर राख कर देने वाला ये खतरनाक मुजरिम गायत्री मेहता, जिसे एक चश्मदीद गवाह आखिरकार आज अदालत की चौखट पर खींच लाया, जहां उसके गुनाहों का फैसला होने वाला है। योर ऑनर, अक्षरा पटेल को मारने के लिए हॉस्पिटल में आग लगाकर पूरे 132 लोगों को मारा है गायत्री मेहता ने। इतना होने के बावजूद जिस आरोपी को पछतावा नहीं है, उसे बाहर की दुनिया में आजाद छोड़ना बहुत खतरनाक है। इसलिए मिस्टर गायत्री मेहता को मुजरिम घोषित करके इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। 132 लोगों की जान लेने वाले मुजरिम गायत्री मेहता को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अच्छा, जो मर्डर करेगा उसे फांसी नहीं तो क्या ऑस्कर अवार्ड देंगे? नो इंटरेस्ट। चैनल के लिए इंटरेस्ट पर पैसा लाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई इंटरेस्टिंग न्यूज दिखानी चाहिए ना। नो इंटरेस्ट। वही घिसी पिटी न्यूज, इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। एक्सपोज करने वाली हीरोइन सती सावित्री बन गई। तुम्हारे पास क्या न्यूज है? असेंबली में एमएलए मारपीट कर रहे हैं सर। एमएलए आपस में मारपीट करेंगे तो क्या इंटरेस्टिंग है? एमएलए को जनता मारेगी तब इंटरेस्टिंग होगा ना। चल। फादर का फोन नहीं उठा रही है, गॉडफादर को देख भी नहीं रही है, बिना सिर उठाए काम कर रही है। इसका मतलब कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल में दिमाग लगा रही है। श्रेष्ठा, कौन सा आर्टिकल है? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। एक एक्टर पर आर्टिकल बना रही हूँ सर। He's a stage artist. स्टेज आर्टिस्ट? सनी लियोनी पर लिखती तो इंटरेस्ट होता, स्टेज आर्टिस्ट में कौन इंटरेस्टेड होगा? वो साधारण कलाकार नहीं है, वो सबसे अलग है। अभिनय में उनका कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने पौराणिक, सांगिक, लोक साहित्य कई किरदार निभाए हैं। वो जो भी किरदार निभाते हैं वो किरदार अमर हो जाता है सर। अमर हो जाता है? नो इंटरेस्ट। उन पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। क्या कहा? किरदारों को अमर करने वाला अभिनेता, उस पर मौत का खतरा मंडरा रहा है? इंटरेस्टिंग। बताओ कौन है वो? उसका नाम दासरी शिवाजी है। शिवाजी शारदा आश्रम चलाता है, जहां अनाथ बच्चों का पालन पोषण ही उसकी जीवन का मकसद है। वहां पर रहे बच्चों को ये कभी महसूस नहीं होता कि वो अनाथ है, बल्कि वो तो शिवाजी को ही अपना माँ बाप और आश्रम को अपना घर परिवार मानते हैं। शिवाजी सिर्फ आनंद आश्रम ही नहीं, बल्कि और भी कई अनाथ आश्रमों में पैसा भेजकर अनाथों की मदद करता है। अबला, वृद्ध और दिव्यांगों की मदद के लिए ना सिर्फ धन बल्कि तन मन भी निछावर कर देने पर वो तैयार है। मैंने उसके बारे में जानने के लिए उसका बहुत पीछा किया, तो मुझे उसकी गतिविधियों पर कुछ संदेह होने लगा कि इन सब नेक कामों के लिए आखिर वो इतना सारा पैसा लाता कहाँ से? ए, भागो मत, आराम से चलो, उठो, सीधे नहाने जाओ। बुद्धं शरणं गच्छामि। एक, जय हिंद। इसे दो और थोड़ा दो। शुक्रिया शुक्रिया। फिर सियार ने चालाकी दिखाने की कोशिश की, तो जैसे ही शेर ने अपना पंजा उठाया तो सियार दुम दबा के भागा। चलो बच्चों अब जाओ, सब अपनी अपनी जगह पर जाकर सो जाओ।
नमस्कार नमस्कार भाई, दे दो एक कटिंग मुझे भी। अरे चुप कर, कितना रोएगा हाँ? साहब बच्चे को बहुत भूख लगी है कुछ। एक बात बड़ी ध्यान से सुन ले, अगर इस इलाके में कहीं भी नजर आई तो तेरी आजा बेटा आजा। मेरी बच्ची, बेटी, मेरी बच्ची। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। धन्यवाद सर। बच्ची बहुत ही किस्मत वाली है, बिना किसी दिक्कत के माता पिता के पास पहुंच गई। शिवाजी, लापता बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाकर तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पता नहीं भगवान तुम्हें तुम्हारी बिछड़ी हुई बेटी से कब मिलाएगा। गुड मॉर्निंग सर। क्या तुम अनाथ हो? नहीं मैं नहीं हूँ, मेरी माँ ने मुझे पाला है। तुम्हारी माँ कौन है? मेरा देश। तुम्हारा देश? हाँ मेरा देश, मेरे देश ने ही मुझे बड़ा किया और डॉक्टर बनाया। मैं कुछ समझा नहीं। वो मेरी माँ मुझे छोड़कर बचपन में ही चल बसी। और तुम्हारा फादर? वो तो शराब के लिए मुझे बेचकर चला गया। अमेरिका जाने का तुम्हारा मकसद क्या है? फॉर माउथ कैंसर स्टडीज। इम्प्रेसिव। प्रसाद, जिंदगी एक शतरंज की तरह होती है, हम उसे भगवान के साथ खेलते हैं। हमारे दांव पाप पुण्य है और उनके दांव कर्म फल है। पता नहीं मुझे अपना फल कब मिलेगा। हे, वीजा कंफर्म हो गया, पासपोर्ट लौटाया नहीं मतलब वीजा तो मिल ही जाएगा। ऑल द बेस्ट। आफ्टर माय कॉन्वोकेशन आई विल फ्लाई टू यूएस। ए रुक रुक रुक, ये रुक। सर शिवाजी सर आप जाइए सर। थैंक यू। ए एक तो वीकेंड है, कड़की चल रही है और तू इसे छोड़ रहा है, रोक इसे रोक। सर 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 सर, आप गवर्नर की कार रोक सकते हैं लेकिन इनकी नहीं। कौन है ये, तेरा रिश्तेदार? सर मेरी बात मानिए, इनसे पंगा लेना ठीक नहीं। कुछ नहीं, इसके मुंह में मीटर लगा। सर मीटर लगाएंगे तो आपका मैटर गड़बड़ हो जाएगा। बहस मत कर, रूल फॉलो कर। सर रूल तो इनको खुद ही फॉलो करता है, वैसे ये एक महान स्टेज आर्टिस्ट है, सारे किरदार निभाते हैं। इनका एक दूसरा रूप भी है ओरिजिनल, वो देखते ही बीपी हाई हो जाएगा आपका। अरे ये क्या दिखाएगा मुझे? सर मैं अच्छे अच्छों के चेहरे पढ़ लेता हूँ, ये क्या चीज है, इसे भी ऊपर से नीचे तक जान लूंगा। चल फूक मार इसमें। बच गए। सर चर्च की घंटी इशारा कर रही है, मैटर मत क्रिएट कीजिए। तू चुप कर, तू फूक मार। मैंने नहीं पिए सर। इस बात का फैसला ये मशीन करेगी। बस बीप नहीं आई, चल निकल जा इससे पहले कि मेरा बीपी बढ़ जाए। चल जा, दूसरा बकरा सामने ला। चल जरा रुकिए सर। क्या है? जरा यहाँ आइए सर, आप भी मीटर में फूंक मारिए। स्टाफ क्वार्टर्स में एक क्वार्टर तो पी थी, अबे मैं क्यों फूंक मारूं? हाँ आपने चेक किया कि कहीं मैं पीकर तो टू व्हीलर नहीं चला रहा? मुझे भी शक है कि कहीं आप पीकर तो अपनी ड्यूटी नहीं बजा रहे। चिल्लाइए मत और फूंक मारिए। मुझे ऑर्डर देने वाला तू कौन है? पब्लिक हूँ सर। पब्लिक? सर राज्य का सीएम कौन बनेगा, भारत देश का पीएम कौन बनेगा, एक उंगली से डिसाइड करने वाला आम आदमी कह रहा। लग गई इसकी। माय डियर पब्लिक, इन्हें फूंक मारनी चाहिए या नहीं? पहले ही मना किया था। अब अच्छे बच्चे की तरह मीटर मुंह में डालिए। हाँ कैसे हुआ? शिवाजी, कादर के आदमियों ने जमीन हड़पने के चक्कर में आश्रम बंद करवा दिया और हम सबको बहुत मारा। मालिक साल की तीन फसलें पैदा करते हैं, खेती बाड़ी के अलावा हमें और कुछ नहीं आता। पीढ़ियों से उसी जमीन के भरोसे जी रहे हैं मालिक, उसे हमसे मत छीनिए। पीढ़ियों से तुम अकेले ही मजे ले रहे हो ना, अब हमें भी लेने दो। बता दस्तखत करेगा या मरेगा? करूंगा मालिक, आप जहाँ कहेंगे कर दूंगा। तो
जब पुलिस या कोई नेता तुम लोगों से ऑफिशियली ले तो भूमि अधिग्रहण, और मैं अनऑफिशियली छीन लूं तो राउडीज़म। कुछ भी हो, किसानों से छीनना ही पड़ता है, चाहे काम बुरा हो या अच्छा। किसान भाई आप रुकिए। भाई नमस्ते, भाई नमस्ते। एक वक्त था जब किसान के आदर में एक रुपए के सिक्के पर फसल की फोटो छपी थी। अब उसी एक रुपए के सिक्के पर अंगूठे की छाप लेकर आप कह रहे हैं कि किसानों को हम लूटेंगे, जो करना है कर लो, इसका खेत लौटा दीजिए ना भाई। कौन है रे तू? भाई मैंने बताया था ना, ये वही नौटंकीबाज है, इसी की वजह से मैं सस्पेंड हुआ। अच्छा तो तू ही है, करता क्या है तू? नट हूँ भाई, रंगमंच पर अभिनय करने वाला एक अभिनेता। ये अभिनेता क्या है रे, इधर काहे को आया है? आपके सामने डरने का नाटक कर। डरने का नाटक करेगा? हाँ। मुझे देख के डर नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा है, लगने का नाटक करूँगा। इज्जत नहीं करता ना, लेकिन इज्जत करने का नाटक करूँगा। अगर आप कहीं दिखाई दिए सलाम अलैकुम कादर भाई, ये बोलकर सिर झुकाकर सुमड़ी में सरक जाऊंगा। माँ कसम, डर और इज्जत का नाटक नहीं चाहिए, वो अंदर से होना चाहिए। क्या काम है ये बता। एकदम छोटा सा, मैं शारदा आश्रम के जरिए अनाथ बच्चों को पालकर अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन आपके आदमियों ने भूमि अधिग्रहण के नाम पर आश्रम पर ताला लगा दिया भाई। अगर वो चाबी दे देंगे, वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई कहकर यहाँ से चला जाऊंगा। दे दीजिए भाई, नहीं तो ये कोई नया नाटक शुरू कर देगा। मैं कहता हूँ दे दीजिए। बिल्कुल नहीं दूंगा। कादर जो करे वो सेटलमेंट, जो कहे वो स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेट्स मेरे रियल स्टेट है। जाके स्टेज पर नाटक कर, जा जा। भाई मैंने कल जीजस की बात नहीं मानी, आज अल्लाह मियां आपको इशारा कर रहे हैं, उनकी बात मान लो भाई। अगर नहीं मानूंगा तो क्या उखाड़ लेगा? आग जलाती है, पानी डुबाता है, हवा उड़ाती है, आसमान निगलता है और भूमि खा जाती है। यही जीवन देने वाले पंच तत्व अगर दूसरा रूप धारण कर ले तो प्रलय तांडव आता है। अभी तूने भी वही किया है। वही किया है। Yeah.
आओ अंदर चलते हैं। हमारे सर मिनिस्टर हैं, उनकी जगह जेल जाना बड़े सम्मान की बात होती है, संभाल लेगा ना? कितनी बार पूछोगे, शिवाजी तुम्हारे सर का रूप लेकर असेंबली भी मैनेज कर सकते हैं, सोचो मत, चलते रहो। ठीक है चलो। शिवाजी, लॉयर को तुमसे मिलना है। नमस्ते। हेलो, बेल मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली? अगर बेल मिलती तो ये तुमसे मिलने आता ही क्यों? कितना मिलेगा? जितना सर कहे। 100 करोड़ कह दो। नहीं दे सकते ना, तो तुम्हारी औकात बता दो। जी 10 लाख। पूरे 25 लाख दे देना। तो ठीक है, कल मिलते हैं। शारदा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारा अगला बर्थडे अपनी बिटिया के साथ सेलिब्रेट करेंगे। गायत्री, ये वॉलपेपर पर कौन है? मेरी माँ है। संभाल कर ले जाइए। उस पेशेंट को कुछ होना नहीं चाहिए, वरना उसके फैमिली वाले मेरी ही तरह अनाथ बन के रह जाएंगे। केस क्या है? केस के बारे में पूछा तो औरत की तरह शर्मा क्यों रहे हो? क्या करें, हरकत ही कुछ ऐसी की है। ओहो, आजकल गठबंधन के बगैर कोई पार्टी टिकती ही कहाँ है, इसीलिए दूसरी पार्टी ज्वाइन करके दारू की पार्टी दे दी। दारू थोड़ी ज्यादा हो गई, होश में नहीं था, मुर्गी समझकर मोर खा गया। क्या बेचारे हमारे सर एक मोर को क्या खा गए, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं जैसे जंगल के सारे मोर को खा लिया उन्होंने। लेकिन ये बात मीडिया तक पहुंची कैसे? ये तो खुद मंत्री जी का ही काम है, अपने स्मार्टफोन पर वीडियो निकाल कर कहते हैं दिलिये मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। तो पोस्ट को डिलीट कर दीजिए ना। अरे डिलीट ही करने वाले थे, वो कोई एक तेज तर्रार पत्रकार है, मैटर को सीधा मीडिया में लीक कर दिया। पॉलिटिशियंस को कॉमेडियंस बनाना है तो मीडिया का काम है भाई साहब। ए, मेरी जगह तुम्हें जेल में जाना, छोड़ के कहां जा रहे हो भाई? मंत्री जी, मोर हजम कर लिए? कौन से विभाग के हैं? वन विभाग। वन विभाग के मंत्री हैं, और ये भी नहीं जानते कि मोर राष्ट्रीय पक्षी है? इन्होंने राष्ट्रीय गान भी एक्चुअली सिनेमा हॉल में ही सिखा है। ओहो, वन विभाग मंत्री राष्ट्रीय पक्षी को नहीं पहचानते, स्पोर्ट्स विभाग के मंत्री ओलंपिक में हमें कितने पदक मिले ये नहीं जानते, परिवहन मंत्री ये नहीं जानता कि शहर में कितनी बसें हैं। जी 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 मंत्री जी, परीक्षा में नकल करने वाले, पद के लिए रिश्वत देने वाले, पद मिलने के बाद एमएलए को खरीद कर मंत्री का ओहदा पाने के बाद वोटों की खरीदो फरोख्त करता है, भारत देश के सर्वभौम अधिकार को निभाने की जगह वो कुत्ते भौ 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 करते हैं और फिर हमारी मदद लेते हैं। अबे मंत्री बनने के लिए आम आदमी की सेवा करनी पड़ती है। शेखर, ऐसे घटिया क्लाइंट मेरे पास मत लाना। ए, इतना घमंड है तुम्हें? मुझसे ऑपोजिशन वालों ने भी कभी इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की। सर सर सर, ये तो इसका पहला रूप है, इसके कई सारे और भी रूप हैं। अगर आपने उन्हें देख लिए तो आपका हार्ट अटैक कंफर्म है। बेहतर यही होगा कि आप इसे अभी मना लीजिए, बाद में दोष मत दीजिएगा। क्या पहला रूप दूसरा रूप लगा रखा है, चलो हटो। अरे सुनो मफलर वाले भैया, अरे छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाएंगे कैसे चलेगा? अरे पहले मेरी बात तो सुनिए। रुकिए, आपसे वादा करता हूँ, अब कभी जिंदगी में मोर नहीं खाऊंगा, मोर छोड़िए कभी मक्खी भी नहीं मारूंगा, बस इस बार मुझे बचा लीजिए। ए शिवाजी, लॉयर, उसे समझाते क्यों नहीं? जाना कब है? बिल्कुल मेरे जैसी आवाज, लेकिन शकल। हाँ खाया था, मोर खाया, हिरन खाया, जनता का पैसा भी खाया, सब खा के हजम कर लिया। विपक्ष का क्या है, वो तो आरोप लगाएगी ना योर ऑनर। जज भैया आप ही बताइए,
आपको दावत में कोई मुर्गी खिलाए तो आप मुर्गा मांगेंगे? आरोपी शंकर राव को 14 दिन का रिमांड दिया जाता है। अच्छा कोर्ट तो मैं आ गया, जेल तो वही जाएगा ना? टेलीफोन एक्सचेंज के पास आपका एक्सचेंज हो जाएगा। मफलर भाई, अब तो आपको देख के मेरा डॉगी भी दुम हिलाएगा। थैंक यू। नमस्कार शंकर राव जी, Have a nice trip. जाइए, formalities पूरी कीजिए। अच्छे बहरूपिये को पकड़ा है मिनिस्टर साहब। इतना परफेक्शन है कि मैं ही कंफ्यूज हो गया। अरे छोड़िए उसे, गेस्ट हाउस पर आज पार्टी रखी है, आ जाइए। ओके सर। हाय सब जेलर श्यामलाल। ज्योति, हमारे जेल में मंत्री आले। साहब मंत्री जी के लिए स्पेशल रूम है। सॉरी मंत्री जी, स्पेशल रूम में चूहे घूम रहे हैं तो आपको नहीं दे पाऊंगा। श्यामलाल जी साहब, स्पेशल रूम में लेके जाओ। सर चूहे मार के खुद मैंने रूम साफ किया है। ज्यादा मत उछल, प्रमोशन नहीं कराऊंगा। ओ ज्योति, मंत्री जी को गुस्सा आ गया है। नमस्कार शंकर राव जी, सुनने में आया कि आपने मोर खाया है। मैंने तो भगवान का दक्षिणा खाया है, फिर भी जेल में बंद कर दिया। देवा रे देवा, लगता है इससे पहले कहीं देखा है। ओए मंदिर में देखा होगा, प्रसाद के साथ दक्षिणा स्वाहा कर ली। दिखने में ही चोर लग रहा है, पकड़ लिया वरना मूर्ति चुरा लेता। क्या चला? होगा देश का। स्टेट को स्टेटस नहीं दिया लेकिन मंत्री को स्टेटस दे रहे, बहुत बढ़िया। शायद पेट्रोल खत्म हो गया है। सिर्फ चैनल के लिए न्यूज ढूंढना ही जरूरी नहीं है मैडम, स्कूटी में पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है। मैडम ये तो मिनिस्टर शंकर राव है। लेकिन ये तो जेल में सजा काट रहा था, ये बाहर क्या कर रहा है? हाय सब जेलर श्यामलाल। श्रेष्ठा जर्नलिस्ट। बोला। मिनिस्टर शंकर राव आपके साथ सेल्फी नहीं खींचेंगे। नहीं कार में उनके साथ बैठकर घूमना चाहती हो? मैं आऊंगा वो नहीं आएंगे। शट अप। कशाला मंजे मी सेल्फी भी अच्छा लेते हैं। मिनिस्टर शंकर राव को बाहर लड़कियों के साथ घूमते हुए देखा। अरे घूमते देखा। ए ज्योति आई करे, मिनिस्टर को कार में बाहर लड़कियों के साथ घूमते देखा, मस्त जोक है ना? मिनिस्टर जेल में नहीं है। ज्योति वन मोर जोक। मुझे अभी मिनिस्टर से मिलना है। कोर्ट का परमिशन है क्या? परमिशन मिलने से पहले तुम मिनिस्टर को रिप्लेस कर दोगे। कायरे मेरा ईगो हट कर दिया, ये सब जेलर श्यामलाल की इज्जत का सवाल है। चला माजा बरोबर। ये गायतुंडे मंत्री जी मच्छर मार रहे दिखाओ। ओके सर। सॉरी सर। इस जेल में मक्खी भी मुझे पूछ के उड़ती है। अक्षरा पटेल सहित 132 लोगों को हॉस्पिटल में जलाकर मार देने वाले गायत्री मेहता के खिलाफ इकलौती चश्मदीद गवाह इस लड़की को भी मौत के घाट उतार कर गायत्री मेहता अपने खिलाफ
एकमात्र सबूत को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। लड़की को घूम दिया। थैंक यू मफलर भाई, इन 14 दिनों में 14 बरस का मजा आ गया। थैंक यू। अरे हट ना, और मॉडल काम कर रही हूँ। अरे रुक रुक रुक, इसे इधर दे। अरे फ्री में मेरे पति की फोटो लेती है। अरे क्या कर रही है? मंदिर में फ्री में फ्लैश मारना बंद कर। ए सुनती क्यों नहीं? उसका कैमरा दे दो। कहीं तू इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? बता तुम दोनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा है? बता क्या मस्ती बनाई है तूने? अरे भक्ति कहाँ छुड़ैल तेरी तो टाइट टाइट ड्रेस पहनकर तुम्हारे सामने नाच रही थी। बड़े मजे आ रहे थे तुम्हें। तेरी कसम सच कह रहा हूँ, वो लड़की ही मेरी फोटो खींच रही थी। मैं सुंदर हूँ ना? मेरा नाम क्या है? शाहरुख खान। सारा भूत उतार दूंगी। राज राहुल करण अर्जुन कोई भी आ जाए सबको निकाल दूंगी तेरे अंदर से। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे। मेरे गरीबों के शाहरुख, चल पिक्चर देखे। कमीशन काट कर बाकी पैसा ये रहा। थैंक यू। शिवाजी, हमें एक स्कूटी फॉलो कर रहा है। कौन है? अब इसी जर्नलिस्ट ने मंत्री पर केस किया था। ये लड़की बहुत होशियार है, एक बार इसने पीछा शुरू किया तो फिर गए काम से। उसका काम है पीछा करना और हमारा काम छुड़ाना। लेफ्ट सिग्नल ऑन करो। अभी राइट में लो। मिनिस्टर के बदले जेल में ये था शारदा आश्रम। शायद बहुत सारे लेटर्स आए हैं। नहीं हाँ। प्रसाद, हमारी बिटिया का कुछ पता चला? 25 साल से तो हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं शिवाजी। नॉर्थ इंडिया के भी सारे ट्रस्ट में हमने पता करवाया, नॉट आइडेंटिफाइड, बस यही रिपोर्ट मिली। ठीक है, ये पैसे लो और ट्रस्टियों को भेज दो। तुम हर महीने पैसे ट्रस्ट में भिजवाते रहते हो इस उम्मीद पे कि इसके जरिए तुम्हारी बेटी तक पैसे पहुंचे। तुम्हारी बेटी तक पैसे पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन इस तरह तुम कई अनाथ बच्चों की सेवा कर रहे हो। भगवान तुम्हारी जरूर सुनेगा। अंकल अंकल, 2 हफ्तों से कहाँ चले गए थे? श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर गया था बेटा। हम डर गए थे कि आप हनुमान जयंती पर नहीं आएंगे, सारी तैयारियाँ की है। ओहो, कहाँ? चलिए आप मेरे साथ। चलो। मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठं वानात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। जय बोलो हनुमान की जय। अंजनी वायुपुत्रा
तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। अंकल अंकल आपसे कोई मिलने आया है। हेलो, कौन है आप? आपका इंटरव्यू चाहिए। मेरा इंटरव्यू किस लिए चाहिए? क्योंकि आप इतने सारे बच्चों को छत देकर अनाथ आश्रम चला रहे हैं, आपकी महानता दुनिया के सामने आनी चाहिए। मैं भी इस आश्रम के अनाथों में से ही एक हूँ, बस एक साधारण सा अभिनेता। आप साधारण कैसे हुए सर? सांगिक, लोकनैतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, इतने सारे किरदार निभाए हैं आपने, और 14 दिन तक जो आप जेल में नेता बनकर रहे हैं उसके लिए तो आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। शायद आप गलत एड्रेस पर आई हैं। एड्रेस सही है सर, जो आप बोल रहे हैं वो गलत है। गवाही दे दीजिए, जेलर, मिनिस्टर सब अंदर हो जाएंगे सर। तो फिर एक नंबर लिख लो, 9291485678। किसका नंबर है ये? पागलों के डॉक्टर का, क्योंकि तुम पागल हो, जाओ इलाज करवाओ। यस, मैं पागल हूँ, अपने प्रोफेशन में कमिटमेंटल हूँ, और मैं तुम्हें पकड़वा कर रहूंगी। हेलो 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 हेलो, एक सलाह देता हूँ, ड्रग माफिया, जमीन हथियाने वाले भू माफिया के साथ कितने एमएलए एमपी गरीबों का हक मार रहे हैं, जरा उनकी तहकीकात करके स्टिंग ऑपरेशन करो। मुझ जैसे कलाकार की बायोग्राफी बनाओगी तो चवन्नी भी हासिल नहीं होगी, आगे बहुत तरक्की करनी है, जाओ कोई बड़ा काम करो। शिवाजी, लाइफ सेट करने वाली डील है। तुम्हारी या मेरी? अरे यार दोनों की, लेकिन ये पार्टी पिछली पार्टियों से ज्यादा मजबूत है। लोकेशन व्हाट्सएप कर दिया है, हॉस्पिटल के पास आकर मिलो प्लीज। ए, वो कौन है, उसका आगा पीछा कुछ है? पहले आओ फिर बताऊंगा। ये लड़की तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, हाथ धो के पीछे पड़ गई, शायद कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिली इसे। चलो गई। Shruti and Deepika, they are the best. They are the best. Oh my God! Sir, sir, ये लोग models नहीं हैं, medical student हैं. Who are they? Catch them. Hey, hey, रुका, 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 hey, रुका. Hey, चलो यार. सपना पूरा कर दिया। Are you happy? पता नहीं ओलंपिक में पीवी सिंधु को गोल्ड मेडल मिलने पर कैसा लगा होगा, लेकिन रैंप वॉक करने पर मैं बहुत खुश हूँ। अंजलि, क्या हो गया? अंजलि, are you okay? अंजलि, बला से कैसे पीछा छुड़ाऊं यार? देखो तुम यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। गायत्री, have you gone crazy?
तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? इसे लंग्स कैंसर है, जिसकी वजह से इसे घुटन और सांस की प्रॉब्लम होती है। इसे भीड़ भाड़ और सफोकेशन वाली जगह पर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? उसे कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? पता है उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसे बाहर लेकर क्यों गई? मुझे पता है हम उसे बचा नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसकी इच्छा तो पूरी कर सकते हैं ना। देखो गायत्री, हम कोई भगवान नहीं है कि किसी की हर इच्छा पूरी कर सके। हम डॉक्टर्स हैं, वी शुड बी इन आवर लिमिट्स। सॉरी सर। इट्स ऑल राइट, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, तुम खुश तो हो ना? अरे रुक भी जाओ अंजलि। उससे शादी करके गलती हो गई, क्या करें, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलो शिवाजी, कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल के पास कितनी देर से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। शेखर, वो जर्नलिस्ट जिसके तुम बात कर रहे थे, वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। हम लोग कल मिलेंगे, बाय। मुझे उस कार तक पहुंचा सकती हैं प्लीज? श्योर, थैंक्स। चलो अंदर। Yeah!
कौन थे वो लोग बेटी? पता नहीं कौन थे अंकल। आजकल लड़कियों का सड़क पर घूमना मुश्किल हो गया है। इनके सामने कमजोर मत बनना, हिम्मत से ऐसे लोगों का सामना करना। मुझे बचाने के लिए थैंक यू अंकल। अरे ये तो मेरा फर्ज था। ऑटो जाओ बेटा जाओ। प्रसाद, सड़क पर एक लड़की को बचाने के चक्कर में छोटा सा झगड़ा हो गया। उसका फोन वहीं सड़क पर गिर गया। लौटाने से पहले ही वो चली गई। मैंने इसे चार्ज पर लगा दिया। सुनो अपना फोन दो ना। थैंक्स। इस फोन में शारदा की फोटो है। ये फोन मेरी बेटी का है। जल्दी आ शारदा, शारदा। हेलो। हेलो अंकल, आपके पास है फोन? थैंक गॉड आपके पास है, मतलब सेफ है। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। Once again, thank you so much, uncle. आपको एक बात बतानी थी, मैंने medicine complete कर ली। कल श्री विद्या निकेतन में मेरा convocation है। आप जरूर आइएगा अंकल, उसी वक्त मैं अपना फोन भी ले लूंगी। हाँ मैं आऊंगा, हाँ मैं जरूर आऊंगा बेटा। प्रसाद इस फोटो को देखो। शारदा ये मेरी बेटी का फोन है, वो डॉक्टर बन गई है। शिवाजी मेरा भगवान से विश्वास उठ गया था, पर अब मानता हूँ कि भगवान है। ये शेखर फोन कर रहा है। नहीं यार, उसे कह दे कि मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। सौदा कैंसल। हेलो। उन्होंने सारे गलत काम करने बंद कर दिए हैं। उससे कहो 1 करोड़ मिलेगा। 1 करोड़ मिलेगा? 10 करोड़ में भी नहीं करूँगा। सुन लिया ना, सब छोड़ दिया उन्होंने, अब फोन मत करना कभी। हाँ जिस बेटी के लिए इतने साल इंतजार किया वही मेरी जिंदगी में आने वाली है। अंधेरे में बहुत जी लिया, अब उजाला आने वाला है। हमारे कॉलेज की एक ऐसी मेडिकल स्टूडेंट है जिसने अपने टैलेंट से अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर हमारे इस कॉलेज का नाम रोशन किया है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि इस कॉलेज का हर स्टूडेंट गायत्री के पदचिन्हों पर चलकर इस देश को मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दुनिया में सबसे अव्वल बनाए। अमेरिका में माउथ कैंसर के बारे में रिसर्च करने हमारे कॉलेज से डॉक्टर गायत्री का सेलेक्ट होना बहुत खुशी और गर्व की बात है। डॉक्टर गायत्री, आई रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन द स्टेज प्लीज। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं डॉक्टर बनी हूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की वजह से। यह मेरे पापा सबकी जिंदगी में पापा हीरो की तरह होते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में वो विलन है। हाँ वो एक विलन है। उन्होंने जो मेरे साथ किया शायद कोई दुश्मन भी ना करता। जी हाँ, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ की मौत हो गई। मुझे नहीं पता मेरे पापा कैसे दिखते हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि वो बहुत बुरे इंसान थे। शराब ने उन्हें इस कदर हैवान बना दिया था कि वो मेरी बीमार माँ को तड़पता हुआ छोड़ गए।
पिता के शब्द का मतलब नहीं जानने वाले मेरे पापा ने शराब के लिए मुझे 1000 रुपए में बेच दिया था। जो चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच दे, उसे पिता कहना पिता जैसे शब्द का अपमान होगा। जिम्मेदारियों के बोझ को उठाने वाले को पिता कहते हैं, लेकिन जो अपनी बेटी को बोझ समझे उसे क्या कहेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि ऐसा बाप कभी किसी को ना मिले, किसी को भी नहीं। आज मैं अपने पिता की वजह से अनाथ हूं, इस बात का दुख है। मुझे बस यही उम्मीद है कि मुझे अपने उस बाप का घिनौना चेहरा कभी देखने को ना मिले। I hate him. अगर मेरे कोई अपने होते तो मैं 4 दीवारी के बीच अपने इमोशंस को बांट लेती, लेकिन मेरा कोई नहीं है, इसीलिए ये सब आपसे कह रही हूं। I'm sorry. एक अनाथ बच्चे का दर्द क्या होता है मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। अनाथ होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। मेरी हर माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चे को कभी अनाथ ना छोड़े, कभी भी नहीं। इस दुनिया में मेरे कोई अपने लोग तो नहीं है, लेकिन भगवान ने मेरे लिए बहुत से ऐसे लोग भेजे हैं और उन्हीं की वजह से आज मैं डॉक्टर बन पाई हूँ। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। मुझे बस यही उम्मीद है कि मुझे अपने उस बाप का घिनौना चेहरा कभी देखने को ना मिले। I hate him. Hi, congrats. All the best. Thank you. बेटी गायत्री, ये लो बेटी तुम्हारा फोन। आप कौन है और अंकल कहाँ है? वो नहीं आ सकता, अब जिंदगी भर तुम उसकी शक्ल नहीं देख पाओगी। पर क्यों? क्योंकि वही तुम्हारे पिता है, वो बाप जिससे तुम बेहद नफरत करती हो। नहीं मानती, पर अगर ये सच है तो उनसे कह दीजिए कि आई हेट हिम। बेटी बेटी एक मिनट बेटी, बीमारी जाने बिना किसी का इलाज करना खतरनाक होता है, ठीक वैसे ही किसी के बारे में सच जाने बिना उस पर इल्जाम लगाना खतरनाक होता है। ये लो तुम्हारे पिताजी की डायरी, इसमें तुम्हें उनकी सारी जानकारी मिलेगी। समाज से मिलने के बाद पता चला कि मैं अनाथ हूं। नाटकीय समाज से मिलने के बाद पता चला कि मैं एक अभिनेता हूं। त्योहार हो या कोई उत्सव, किसी ना किसी गांव से हमारे नाटक के लिए समारोह पर बुलावा आता ही था।
हजार शब्दों वाली स्वच्छ भाषा, मुस्कुराहट की स्वच्छ भाषा से शारदा मिली। ए लंबे खंबे, चल बाजू हट, बस करो बहुत हुआ। ये तुम्हारा दामाद है, शादी में आए जो इस पर फूल बरसा रहे हो, कोई राजा महाराज आए जो माला पहना रहे हो, आरती क्यों नहीं लाए? मेरी कोई इज्जत है या नहीं? ए, ये माला मुझे दे, मैं भी माला पहनकर अंदर जाऊंगा। रहने का इंतजाम कहाँ किया है? ये मेरी बेटी शारदा है, बेटी इनके रहने का इंतजाम करो। आइए। गधे, प्रेसिडेंट की बेटी पर लाइन मार रहा है, तुझे घोड़ी पर नहीं बिठाएंगे बल्कि पूरा धो डालेंगे। चल अंदर। बस क्या निकलने वाली नहीं है? बस क्या, बस निकलने वाली नहीं है, बस कब की निकल गई, गांव भी पहुंच गई, तू यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये शिवाजी को ग्रीन सिग्नल दे रही है। मैं रेड कर दूंगा। ए, चोटियों पर से हाथ हटा, ग्लास उठा। बेटी हमें भी पिलाओगी? क्या पढ़ रही हो? रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास पढ़ रही हूँ। खाली वक्त में नहीं पूछा बेटी, कॉलेज में क्या पढ़ रही हो? डिग्री। ए सातवीं फेल, डिग्री है यहाँ, अपनी औकात देख के लाइन मारा कर। सारी जायदाद बेचकर और कर्जा लेकर तुम लोग नाटक नौटंकी में सारे पैसे बर्बाद कर रहे हो। घर में जवान बेटी बैठी है, उसके बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? ए, गोली सोडा। है? आपके घर में भी दो जवान बेटियां हैं, उनके बारे में सोचो। बेटी भी बाप पर ही गई है। बेटा ऐसा नहीं कहना चाहिए, जो मन में आए कह देना चाहिए, जिसको जो सोचना है सोचने दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अधर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। ओम नमः हराय। hey, मैंने दुर्योधन के किरदार की प्रैक्टिस करने को कहा था, ये तो रावण के किरदार की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है रे? शिवाजी रावण के किरदार के लिए फेमस है, इसीलिए वही प्रैक्टिस कर रहा है। आएगा फेमस फेमस। लेकिन आपने तो खुद ही इसका दूध से अभिषेक किया था। अभिषेक, उस दिन भैंस ने दूध ज्यादा दे दिया था, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करे तो लाकर इसके सिर पर डाल दिया। जाने दो, अनाथ है ना, इस गाँव में दुर्योधन का किरदार निभाने को दे रहा हूँ तो उसे भी खराब कर रहा है। जिसका ना धर्म है ना जात है वो यहाँ नाटक बिल्कुल नहीं कर सकता। चलो रुक जाओ, ये आचार्य देव। क्या कहा आपने? क्या कहा? जिसकी जात पात और धर्म नहीं होता वो किरदार नहीं निभा सकता? इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात। ये क्षात्र परीक्षा है, क्षत्रिय परीक्षा नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। यदि ये जात की परीक्षा होती तो आपके पिता कुमुदराज गंगाराज का जन्म कैसे हुआ? खेद होता है कहते हुए, पर तुम्हारा संभव कैसे हुआ? ढेर में जन्मे हुए हो ना, तुम्हारी जात कौन सी है? तुम दूर किसी गांव में चोरी करते हुए 10 लोगों से मार खा रहे थे, तब कला परिषद की नजर तुम पर पड़ी। तुम आकर उनके पैरों पर गिरे और जब उन्होंने अपमान किया तब सबकी नजरों से बचकर तुम उनकी बहन के पैरों में जाकर गिरे। वो चीखी चिल्लाई, तुमने धोखा दिया। तब मजबूरी में मन को मना कर उन्होंने किसी तरह बहन की शादी तुमसे करवा ली। उसका फायदा उठाकर हमारी इस कला परिषद को ही हड़प कर पागल कुत्तों की तरह हर रोज हम पर हुक्म चलाए जा रहे हो और हमें से जाति पूछते हो। और तो और, घर की बेबस दासी का हाथ पकड़कर मार खाने वाले संस्कारहीन इंसान, गिरगिट की तरह रंग बदलते तुम्हारे विचार, संदर्भ के अनुसार बदलते तुम्हारे कृत्य। आज मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी जाति क्या है? आपने तो कमाल कर दिया, इस किरदार को आप ही निभाइए, जिसको जो सोचना है सोचने दो। नमस्कार प्रलीजन ताब। नमस्कार एमएलए साहब। देखिए प्रलीजन ताब, एक गांव में हम दोनों एक ही दांत के हैं।
मुझे इस बात का बिल्कुल तक नहीं है कि हमारे दांत वाले हमें वोट देंगे, लेकिन दूसरी दांत वाले बहुत ऐसा जो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे लेकिन आपकी बात जरूर मानेंगे। देखिए जोगिंदर जी, मुझे ये सब पसंद नहीं है, जबरदस्ती मत कीजिए, प्लीज जाइए आप। आप तत्ववादी अली चलते मत बनिए, आपको करना होगा बस। मेरे पापा वही करते हैं जो सही होता है, निकल जाइए। ये क्या कह लिए? मैं तो आपको वोट खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन ये अतपाल के लिए, ये आप ही का कूने के किसी और का। तूने तो माँ बहन की इज्जत करना कभी सीखा ही नहीं, किसी लड़की से बात करने का तरीका तू क्या जाने। वैसे भी असेंबली में कदम रखने के लिए अपनी बीवी को मारने वाला कुत्ता है तू, पहले औरतों की इज्जत करना सीख फिर आना जात की बात करने। ए, नेता से बात करना नहीं आता। ए, शिवा क्या कर रहा है? अरे बताल शिवाजी। खुद को क्या समझते हो? सबको मार दोगे, चाहे वो गुनहगार हो या फिर बेकसूर इंसान हो? तुम्हें लगता है कि ये सब करके सबको बदल दोगे? देखो, अपने मन की बात करना तुम्हारी आदत है और अपनी मर्जी का काम करना मेरी आदत है। तो इस आदत को छोड़ दो, तुम्हारे अंदर एक कला है, उसका सही इस्तेमाल करो। ये लड़ाई झगड़े से क्या मिलेगा? चाकू छुरी चलाने वाला सिर्फ गुंडा ही बन सकता है, पर एक कलाकार होना वरदान होता है, और मैं तुम्हें उसी रूप में देखना चाहती हूँ। अपने मन की बात बोल देना मेरी आदत है, जिसको जो सोचना है सोचता रहे। शारदा, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, इस बात का बहुत दुख होता है मुझे, लेकिन तुमसे मिलने के बाद अब ऐसा लगता है जैसे मेरे पास सब कुछ है। ख्याल रखने वाली माँ, जिम्मेदारी बताने वाले पिता, प्यार बांटने वाली पत्नी, अगर तुम ये सब बनकर मेरी जिंदगी में आई तो मुझे परिवार मिल जाएगा। अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा तुम्हें। तुम्ही ने तो कहा था ना, मन की बात बता देनी चाहिए, जिसे जो सोचना है सोचने दो। देख लेगा। कहाँ जा रही है? लेकिन पिताश्री, मैंने उससे वादा किया है, मैं ये कैसे कर ये देखो कितना सुंदर है, है ना? मुझे नहीं चाहिए, चलो। ये देखो।
शारदा क्या हुआ? शारदा को माउथ कैंसर है, तीसरी स्टेज पे है, तुरंत इलाज करना होगा। 1,00,000 रुपए जमा कर दीजिए। मैं कर दूंगा डॉक्टर। 1,00,000 रुपए? पर्दे पर जब एक अभिनेता नाटक करता है ना, तो तालियां बजाने के लिए हाथ उठते हैं, लेकिन उसी अभिनेता पर मुश्किल आए तो मदद के लिए एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ता। इतनी मदद करने की शक्ति मुझ में नहीं है शिवाजी। शिवाजी, असली जिंदगी में नाटक करने का 1,00,000 रुपए मिलेगा, करोगे? एक सेठ जी हैं जिनको बेल नहीं मिली है, अगर उसकी जगह तुम जेल जाओगे तो अपनी बीवी का इलाज करा सकते हो, बोलो। मैं चला जाऊंगा। पता नहीं तुम मुझे सुन पा रही हो या नहीं, मैं जिंदगी में कोई गलत किरदार निभा रहा हूं या कोई बड़ी गलती कर रहा हूं समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी कोख में पल रहा ये बच्चा और तुम्हारे सामने बैठा मैं, हम दोनों की जिंदगियां तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, लेकिन मेरा तो सब कुछ सिर्फ तुम ही हो। मुझे छोड़कर मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं जाकर जल्दी लौट आऊंगा। गिरी सुनो, शारदा का ख्याल रखना। शिवाजी तू बेफिक्र होकर के जा, मैं हूं ना उसका ख्याल रखने के लिए। इस तरह किसी और के रूप में जेल किया, मुझे धोखा दिया गया, 2 दिन का नाम लेकर 2 हफ्ते बाद रिहा किया। ए गिरी। ए शिवाजी। 2 दिनों का बताकर 2 हफ्तों के लिए अंदर करवा दिया, मैं घर गया था, शारदा नहीं है, शारदा कहाँ है? वो शारदा अब इस दुनिया में नहीं है। शारदा के साथ वो बच्ची भी चली गई। तुझे बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी इसलिए शराब पी रहा था, मुझे माफ कर दे शिवा। सजा है शिवाजी। तुम्हारी बीवी तो नहीं बची लेकिन तुम्हारी बेटी जिंदा है। ये क्या कह रहा है तू? शराब पीने के लिए तुम्हारी बेटी को बेचना चाहता था। सुनिए भाई साहब, ये बच्ची 1,000 रुपए दे के ले लीजिए। हो गया क्या? ए, रुको। बच्ची को बेचेगा समीर, पहले उसके हाथों से बच्ची को ले लो। किसी अनाथ आश्रम वालों ने मुझे मारकर तुम्हारी बेटी को लेकर चले गए। कौन सा अनाथ आश्रम? गिरी, कौन सा अनाथ आश्रम? कौन? गिरी, कौन सा अनाथ आश्रम बताना गिरी। Thank you.
आज के दिन तुम हमें मिली थी, इसका मतलब तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, तुम्हारी माँ। तुम्हारे पैदा होते ही ये मर गए, हमें ये पता चला था। और मेरे पापा? जबान पर पापा का नाम मत लाओ, शराबी था वो। शराब पीने के लिए वो तुम्हें बेच रहा था, हम तुम्हें उससे छुड़ा कर लाए। अंकल मुझे पापा से मिलना है, अभी क्यों भी मिलना है। चलो बेटी। पापा, पापा, पापा। शिवाजी। माँ, मुझे सब पता चल गया, पापा बिल्कुल बुरे नहीं थे। चिंता मत कर बेटी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ शिवाजी कहाँ मिलेगा, मैं उसे अभी लेकर आऊँगा। नहीं अंकल रुकिए, मैं भी चलती हूँ। चलो आओ। जब भी तुम्हारे पापा को कुछ अच्छा नहीं लगता ना, तब वो यहीं आते हैं, वो जरूर यही होगा। शांति से सोने भी नहीं देते हैं। उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। वैसे शिवाजी बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो जहाँ भी गया होगा आश्रम तो आएगा ही। चलो आओ। अरे पर जब बाप बेटी मिलने ही वाले थे तो शिवाजी को किडनैप किया किसने? गायत्री मेहता। गायत्री मेहता। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गायत्री मेहता, बैड पीपल भी भगवान की पूजा करते हैं, इसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया। भगवान बहुत भोले हैं, राक्षस को भी वरदान देते हैं। आपके पास तो बहुत क्लैरिटी है, लेकिन बाहर क्लैरिटी वाले कुछ लोग आए हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास आपका अरेस्ट वारंट है। वारंट के साथ आने से कुछ नहीं होता राजा, क्लैरिटी चाहिए, समझे? कल जगदम्बा सेंटर के पास एक डेड बॉडी मिली है, आसपास कुछ सबूत भी मिले हैं, पूछताछ करनी है। जो जो जब जब होना है, सो सो तब तब होता है। किसी जन्म में पुण्य किए होंगे जो मेरे हाथों मरा है। जानता है उसको क्यों मारा मैंने? तुझ जैसे के परिवारों को पालने के लिए। आपकी बात मैं समझा नहीं। मैं तो सर, ए थ्री स्टार मगज का उपयोग कर मैंने किसी को मारा, पूरी टीम आ गई। एक ने पाउडर डाला, दूसरे ने लाल चौक लेकर डेड बॉडी के गोल गोल लकीर बनाई, एम्बुलेंस ड्राइवर, फोटो लेने वाला, पोस्टमार्टम डॉक्टर, चीरफाड़ करने वाली नर्स। झूठ को सच, सच को झूठ में बदलना कौन करता है ये सब? चैनल, बिके हुए चैनल और पेपर वाले। इतने लोगों को मैंने रोजगार दिलवाया है, है? अने गांडा तू मने अरेस्ट करीस? राजा तुम तो पूरे देश के बड़े बेटे हो, पूरे भारत देश को नौकरी दिलवा रहे हो। आई लव यू राजा। ए सीआई, तुम्हारी बीवी ने गहनों की दुकान से फोन किया है, व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है, देख के चूज कर लो। हेलो, सुनिए आपको व्हाट्सएप किया अरे है। पर देखा इसके मोबाइल पे क्यों फोन किया तुम? मेरी बात तो सुनिए। फोन रखो। सीआई साहब, आपकी धर्म पत्नी ने हमें फोन क्यों किया यही सोच रहे हो ना? इसमें कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं है, सिर्फ मानव संबंध है। समझ सको तो समझ लो इस मेहता मानव संबंध को। खाकी कपड़े पहन के
पुलिस का काम भी कर सकता है और बाथरूम धोने का काम भी। लाठी के झाड़ू इतारे विचार बनो छे। चलता हूं मेहता साहब। ए थ्री स्टार, ए घर आए मेहमान को खाली हाथ नहीं भेजते, कोई गिफ्ट देकर ही भेजते हैं, यह हमारी परंपरा है। ले तो जाजे। अरे बाप रे, उसका कैरेक्टर तो कैरेक्टरलेस पॉलिटिशियन से भी भयंकर है। वैसे उसने शिवाजी को क्यों किडनैप किया? ए, कौन हो तुम लोग? इस जनजीवन जगत में जनता के साथ घूमने वाले जानवर हैं राजा। मुझे यहाँ क्यों ले आए हो तुम? कुछ नहीं राजा, जैसे मिनिस्टर फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं ना, वैसे तुम जेल ट्रिप पे जाते हो, इसीलिए लाए हैं। मैंने शेखर को बोल दिया था कि मैं ये सब काम। बोलने से कोई नहीं मानता राजा। राजनीतिक नेता ने जनता के प्यार से पद जीता है, पैसों से नहीं जीता, ये भी कोई नहीं मानता। मेरी बात मानो, गायत्री मेहता बहुत बड़े हैं, तुम्हें पसंद करते हैं, उनकी बात मानो, तुम्हारा ही भला होगा। इसके सामने क्या गिड़गिड़ा रहे हो? ये कोई बड़ा तोप है क्या? चार हड्डी तोड़ेंगे ना तो खुद ही मान जाएगा। तोड़ दोगे? क्या कर रहे हैं? फोन लाइन चेक कर रहा हूं बेटा। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। आ जन्म रोना नो बंधन छे, तेरी तरह मैं और मेरी तरह तू, थोड़े मिलते जुलते हैं हम। नाटक या शिवाजी, जस्ट 14 days, तू अंदर मैं बाहर, नहीं तो ए, मेरे बच्चों को खतरे में डालकर मेरे रौद्र रूप को मत जगा। ये गायत्री मेहता का हर रूप आतंक का रूप है। मौत शारदा आश्रम के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर मैंने अपना धैर्य खो दिया तो तू आश्रम खो देगा। मैं बुरा नहीं, लेकिन मेरे को सीधा भी मत समझना। क्या समझना और क्या नहीं समझना, ये तारे विचारवानू छे। अक्षरा पटेल को मारने के लिए हॉस्पिटल में आग लगाकर पूरे 132 लोगों को मारा है गायत्री मेहता ने। इस केस से संबंधित सारे सबूत और सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। थैंक यू योर ऑनर।
माँ कसम, बिल्कुल मेरे बॉस की कॉपी लग रहे हो। बॉस की गर्लफ्रेंड भी कंफ्यूज हो जाएगी। 25 साल से जिस बेटी से दूर था उससे मिलने वाला था कि गायत्री मेहता बीच में आ गया। बेल तो जल्दी मिल जाएगी ना। अरे भाई साहब, खाली पीली टेंशन ले रहे हो, सजा का तो चांस ही नहीं है। मिस्टर गायत्री मेहता, क्या आप गुनाह कबूल करते हैं? ये तो जुर्म है ही नहीं मिस्टर जस्टिस। क्या कहा? क्या 132 लोगों को मारना जुर्म नहीं है? मिस्टर जस्टिस, रामायण में राम और रावण के बीच लड़ाई हुई। अभी उन दोनों में कोई एक मरता तो अच्छा होता, लेकिन उन दोनों के बीच के युद्ध में वहां यहां कई लाखों सैनिक मारे गए। वैसे ही महाभारत में पांडव और कौरव के बीच झगड़ा हुआ। वो दोनों के झगड़े में कोई एक मरता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन दोनों के बीच के लफड़े में लाखों करोड़ों सैनिक मारे गए इधर उधर। नोट दिस पॉइंट मिस्टर जस्टिस, मैं भी सेम टू सेम हूं। अक्षरा पटेल को मारने के प्रोसेस में 132 लोग मारे गए। अगर पुराणों में उन्होंने गलत किया है तो चलो मानता हूं मैंने भी इधर गलत किया है। जब उन्हें वहां सजा नहीं मिली तो मुझे यहां सजा कैसे मिलेगी? अगर वो वहां भगवान है तो मैं इधर भगवान हूं। इसे सही समझना कि गलत समझना, ये तुम्हारे विचारवानों जज साहब। शट अप। इतना होने के बावजूद जिस आरोपी को पछतावा नहीं है उसे बाहर की दुनिया में आजाद छोड़ना बहुत खतरनाक है। इसलिए मिस्टर गायत्री मेहता को मुजरिम घोषित करके इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। सर, आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करेंगे? नहीं नहीं, फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे, ना ही सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह की अपील कर रहे। भगत सिंह ने जैसे फांसी को अपनाया था, गायत्री मेहता भी वैसा महान कार्य कर रहे। तो क्या सर सूली पे चढ़ेंगे? अरे कौन जिएगा कौन मरेगा, ये ऊपर वाला है विचारवान। चलो सर, इंटरव्यू ओवर। मेरे बात मानने के लिए थैंक यू। जस्ट 14 डेज, यू आर माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर भैला, बेस्ट ऑफ लक। ये कैदियों के कपड़े क्यों पहना रहे हो? हेलो, कैदी को कैदी का कपड़ा नहीं तो क्या सूट मिलेगा? ज्योति आणखी एक जोक आला। सर, मैं रिमांड का कैदी। कैदी रिमांड वाला? ए ज्योति, एक और जोक, इसको तो कॉमेडी सर्कस में जाना चाहिए। तुम्हारा माइत नहीं का, सुबह से सारे न्यूज चैनल पे एक ही समाचार कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। देखो बगा ना, भगत सिंह ने जैसे फांसी को अपनाया था, गायत्री मेहता भी ऐसा महान कार्य कर रहे। पिक्चर के विलन की तरह डायलॉग बोल रहे हैं। देखा श्यामलाल, क्या हो रहा है यहाँ? साहब, फांसी की सजा सुन के इनके तोते उड़ गए। सर, सर, जेलर साहब। सुनो, तुम सब बाहर जा। यस, हाँ बताइए। सर, मुझे धोखा देकर फंसाया जा रहा है। मैं गायत्री मेहता नहीं हूँ, शिवाजी हूँ, स्टेज एक्टर। मेरे बच्चों को मारने की धमकी देकर। सर, आप, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम गायत्री मेहता नहीं शिवाजी हो। क्या करें, ये दुनिया पैसों के ही गुलाम है। पैसा है तो हर एक चीज खरीदी जा सकती है। नमस्ते सर, शिवाजी बात करना चाहता है। Wish you a happy day, शिवाजी। नहीं, गायत्री, मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं देना प्लीज। हेलाए, रामायण एक औरत के रोने की वजह से हुई, महाभारत एक औरत की हंसी की वजह से हुई, गायत्री मेहता को फांसी एक लड़की के सबूत की वजह से हुई। जानता है वो लड़की कौन है? तेरी सुपुत्री।
यस योर ऑनर, मैं खुद आई विटनेस हूँ। आईसीयू में अक्षरा पटेल को मारने के लिए इतना टेंशन काई को रे? ए बंटा, एक को मारेंगे तो मर्डर होगा, सारे हॉस्पिटल को जला देंगे तो हादसा होगा। बेटा इसी को कहते हैं गायत्री मेहता का दिमाग। ए, कौन हो तुम लोग? गायत्री मेहता कौन है? हॉस्पिटल क्यों चलाना चाहते हो? हजारों लोग मर जाएंगे ये जानते हुए भी इन्होंने हॉस्पिटल जला दिया। छोटे बच्चे, डॉक्टर और कई मासूमों की जान गई है। इसके पीछे चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, उसे छोड़िएगा मत, सजा मिलनी ही चाहिए। मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ था, ये पता करते हुए पुलिस का हाथ बाबा के गिरे बांध तक गया। तेरी बेटी ने जो गवाही दी उसके सूत्रधार का पता लगाते हुए मैं पकड़ा गया। तेरे से डील करने के लिए ही शेखर को हायर किया था। अरे उसे कहो ना, 1 करोड़ की डील है। तू नहीं आया। इस सारे झंझट से पीछा छुड़ाने के लिए सबूत को मिटाने की कोशिश की, लेकिन तूने बचा लिया उसे। फिर ब्रेकिंग न्यूज मिला, पता चला कि वो तेरी ही बेटी है, तेरे और मेरे दोनों के प्लान ने यू टर्न मार दिया। तेरी बेटी मुझे फांसी दिलवाना चाहती थी, वही फांसी अब तेरे को लगेगी। गुजराती का असूल है, जहां समझौते से काम हो उधर झगड़ा नहीं करना। फांसी होने तक गायत्री मेहता की तरह आराम से जी। शिवाजी के जैसा धमाल किया तो तेरी बेटी सांस लेना बंद कर देगी। मैं टेढ़ा नहीं हूं, लेकिन सीधा भी मत समझना। अभी मुझे सही समझ या गलत समझ, इतारे विचार मानुज। ये क्या गायत्री जी, शिवाजी की बेटी से शिवाजी के भेष में मिलोगे? इतना रिस्क क्यों ले रहे हो राजा? वकील, अगर बाप ना दिखे तो पहले दिन दुखी होगी, दूसरे दिन सोचेगी, तीसरे दिन ढूंढेगी। ढूंढने के बाद जेल में गायत्री मेहता नहीं उसका बाप है। जब छोकरी को ये पता चलेगा तो वो इमोशनल हो जाएगी। उसे मार देते हैं राजा। जब तक छोरी जिंदा है तब तक शिवाजी हमारी बात मानेगा। मछली पकड़ने के लिए चारा डालना पड़ता है, मछली फंस जाएगी, चारा डालते रहो। एक बार मछली फंस जाए फिर काट डालेंगे उसे। राजा, what a thought, I love you गायत्री। शिवाजी नू रूप बनाओ। वकील, मेरे वहां जाने से पहले सारे सबूत मिट जाने चाहिए। ए टकले, तेरा बॉस कहाँ है? अंदर है। बस बस नहीं, रोक दो। शेखर, तुम्हें पता है शिवाजी कहाँ है? लगता है आपकी किस्मत खराब है कि आप खुद ही मौत के करीब आ गए। बढ़िया। सिक्योरिटी के लिए थैंक यू पापा, थैंक यू।
बेटे इसी दिन का तो 25 सालों से इंतजार कर रहा था मैं। पापा, वो प्रसाद अंकल आपको ढूंढ रहे थे। मिला था मुझे, मैंने उसे किसी काम से भेजा है। आओ बेटा, मैंने सुना तुम अमेरिका जा रही हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं बेटा? ये भी पूछने वाली बात है, आप अब मेरे साथ ही रहेंगे, मैं जहाँ चलूंगी वहाँ चलेंगे। क्यों शिवाजी, मुझे बुलवाया था अपना जुर्म कबूल करने के लिए? 25 साल पहले परिवार को बचाने के लिए रास्ता चुना, जैसे ही बेटी मिली सोचा सारे बुरे काम छोड़कर उसके साथ जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन उस गायत्री मेहता से मेरी बेटी और आश्रम के बच्चों को बचाने के लिए ये रूप लेना पड़ा। जिस बेटी और अनाथ बच्चों को बचाने के लिए आप यहाँ जेल में सड़ रहे हैं, उनके पास गायत्री मेहता आपका रूप लेकर गया है। आपके दोस्त प्रसाद और शेखर दोनों को मार दिया। अब आपका बचना मुश्किल है शिवाजी। क्या तुम मेरी एक मदद करोगी श्रेष्ठा? ओह माय गॉड, अरे ये क्या कर रही हो? मुंह तक निवाला लाकर उसे छीन रही हो? कहानी में इंटरेस्ट आने ही वाला था कि रोक दिया, उसके आगे बताओ ना क्या हुआ? मैं बस इतना ही जानती हूँ सर। क्या कहा, इतना ही जानती हो? क्या आप मेरी मदद करेंगे? मदद करेंगे, क्यों नहीं करूंगा, चाहो तो पूरी ऑफिस की मदद ले लो, लेकिन बताओ तो शिवाजी ने तुम्हें क्या कहा? तुम डेंजर जोन में कदम रखने वाली हो, अपना ध्यान रखना। मैं शिवाजी बनकर आया हूं, क्या ये बात प्रेस को पता चल गई? मेरी बेटी की जान खतरे में है, जर्नलिस्ट के भेस में खूनी भी आ सकते हैं, अगर आपको इंटरव्यू चाहिए तो कोई एक आ जाए। शिवाजी, आप एक महान स्टेज आर्टिस्ट हैं, आपकी बेटी एक बहुत बहादुर लड़की है, गायत्री मेहता जैसे क्रिमिनल को सजा दिलवाने में आपने बहुत मदद की है। कांग्रेचुलेशंस टू यू बोथ। थैंक यू। ये जो बैठे हैं तुम्हारे पिता नहीं, गायत्री मेहता है। तुम्हारे पापा को झांसा देकर जेल में भेजा गया है, मेरे आदमी बाहर खड़े हैं, अगर तुम भाग गए तुम अपने पापा को बचा सकती हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे अंकल प्रसाद को भी इसने मार दिया, अगर शक हो तो जो तुम्हारे सामने बुक है उसे देख लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यही मेरे असली पापा है, समझी? देखिए ना पापा, ये कह रहे हैं आप शिवाजी नहीं गायत्री मेहता हैं। मीडिया वाले जो भी दिखाते हैं लोग उसे सच मान लेते हैं, इसीलिए आपको गायत्री मेहता बताकर फंसाना चाहते हैं ताकि उसकी जगह आपको जेल हो जाए। पापा जाओ, अपनी गायत्री मेहता से कह दो हम इतने बेवकूफ नहीं है। जर्नलिस्ट श्रेष्ठा, श्रेष्ठा 25 साल बाद मैं अपनी बेटी से मिला हूं, इसके भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए हम अमेरिका जाने वाले हैं। इस वक्त हमें परेशान करके हमारी यात्रा में अड़चन ना डाले प्लीज। आखिर मीडिया के जरिए अपनी बेटी को बचाने का अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ, आखिरी बॉल भी मिस हो गई। फांसी से पहले अपनी ख्वाहिश मांग लो। श्यामलाल, आखिरी इच्छा पूछ लो इससे। हेलो, इच्छा बता दो।
अब्दुल की बिरयानी खाओगे, देश पांडे का झोड़खा बाकर या गुप्ता चना भंडार से पानी पूरी मंगाऊ, मला सांगा हो, बस एक ही फोन में जेल डिलीवरी हो जाएगा। एक SMS भेजना है। ये ज्योति, इसको मैसेज करना है, आखिरी ख्वाहिश है ना, दे देता हूँ, ये लो सरकारी मोबाइल है, तुम भी फायदा उठा लो। श्यामलाल, ये क्या कर रहे हो तुम? SMS करने साथी फोन दे दिया है साहब। स्टूपिड, पैसा नहीं कटेगा, एकदम फ्री। चलो ए, फोन इधर दे। श्रेष्ठा, स्टेज एक्टर शिवाजी का नाटक देखने की मेरी आखिरी ख्वाहिश है। शिवाजी नाम के स्टेज एक्टर का नाटक देखने की अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई है गायत्री मेहता ने, कोशिश करने का दावा किया है अधिकारियों ने। यार, इसकी आखिरी ख्वाहिश तो बड़ी अजीब है। उसने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है, तो इंसानियत के नाते शिवाजी को उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी ही चाहिए। शिवाजी गायत्री मेहता की आखिरी इच्छा पूरी करेगा तो ही महान कलाकार कहलाएगा। आपकी नाती जब गुम हो गई थी तब उसे शिवाजी ने ही बचाया था पापा, वो बहुत अच्छे इंसान है। अपनी आखिरी इच्छा शिवाजी का नाटक देखने की चाहत रखने वाले गायत्री मेहता को सोशल मीडिया से सपोर्ट मिल रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए शिवाजी को लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वकील, मेरे प्लेस में उसे रिप्लेस कर दिया, मुझे उसकी जगह लाने के लिए शिवाजी का नाटक मेरी समझ में आ गया है। आज ही अमेरिका का टिकट बुक कर। राजा, तुम सुपर हो। गायत्री मेहता हमें शांति से जीने भी नहीं देगा पापा, चलिए हम अमेरिका चलते हैं। ठीक है बेटा। प्रसाद के आने तक बच्चों का ध्यान रखना। हो साहेब। तुम कार में बैठो बेटा, बाय। मुजरिम चाहे जितना भी क्रूर हो, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना इंसान का धर्म है, फिर भी उनकी ख्वाहिश बिना पूरी किए विदेश जाने वाले हैं शिवाजी। गायत्री मेहता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करो, पूरी करो। गायत्री मेहता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करो, पूरी करो। सर, बिना उनकी ख्वाहिश पूरी किए कैसे जा सकते हैं? सर जवाब दीजिए। सर, हमें कोर्ट से परमिशन मिल गई है, आप वहाँ जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त मेरे पापा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, आप चलिए पापा। साहब, गायत्री मेहता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके साबित कर दीजिए कि आप अभिनेता के साथ अच्छे इंसान भी हैं। ए शिवाजी, बचपन में जब पूछते थे कि तुम्हें खाना चाहिए या मेकअप, तो तू हमेशा कहता था कि तुझे मेकअप ही चाहिए। और आज जब यहाँ एक इंसान की जान जा रही है जो तेरा नाटक देखना चाहता है, ऐसे में तू अमेरिका भाग रहा है? एक चीज तो पक्की है, तू हमारा शिवाजी नहीं हो सकता। पापा, अगर आपने इन सब की इच्छा पूरी नहीं की तो आप इनकी नजरों में बुरे हो जाएंगे पापा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज पापा, एक आखिरी बार। मेहता साहब, मुझ पर आप पूरा भरोसा रखिए, डरने की कोई बात नहीं, मिलकर शिवाजी का कल्याण करते हैं। अब लग रहा है कि ये हमारा ही शिवाजी है। पापा, अभिनेता की बेटी हो ना, सेम DNA,
वंडरफुल। श्रेष्ठा, बच्चों पर कोई खतरा नहीं आए इसलिए मैंने रूडली बिहेव किया, सॉरी। माना कि तुम बाप बेटी का कॉन्फिडेंस जबरदस्त है, लेकिन बचोगे कैसे? ज्योति, सास बहू से भी बड़ा ड्रामा चल रहा है। ये जेल मेरा गेस्ट हाउस है और जेलर मेरा वॉचमैन। मेरे पास पावर है, मैन पावर है और मनी पावर है। हर मिनिस्टर मेरी जेब में, तेरे पास क्या है? मैं इसके पास अच्छाई है। आपकी नाती जब गुम हो गई थी तब उसे शिवाजी ने ही बचाया था पापा, ये बहुत अच्छे इंसान है। शिवाजी भगवान से कम नहीं है, अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते कई लापता बच्चियों को उनके माँ बाप से मिलवाया है इसने। ऐसे लापता बच्चों में मेरी नातिन भी थी। इन बाप बेटी को मिलवा कर मैं इस अच्छे इंसान का कर्जा उतारना चाहता था। फांसी के फंदे पर शिवाजी नहीं, तू चढ़ेगा गायत्री मेहता। टेक हिम इनटू कस्टडी। जेलर साहब, मुझे और मेरी बेटी को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने तुम्हें नहीं बचाया है शिवाजी, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें बचाया है। पेट अंदर सीना बाहर। समझ ही नहीं आ रहा कौन शिवाजी है और कौन गायत्री। डाउन योर आर्म्स, गो बैक। शिवाजी की हेयर स्टाइल की तरह मेरा हेयर कट कर, ओरिजिनल छे। कैसे बचाऊं बेटी, दोनों एकदम सेम टू सेम है। क्या तुम अपने पापा को आइडेंटिफाई कर सकती हो? जयद्वदभ्र विभ्रमत्रमद्भुजंगम स्फुर थगत थगत द्विनिर्गमत कराळपाल हव्यवान् धिमित् 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 ध्वनन्मृदंग तुंग मंगला ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। ओम नमः शिवाय। अंकल, यही मेरे पापा है, वो गायत्री।
गायत्री मेहता है, शूट हिम। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मच्छटा विडंबि कंठ कंधरा रुचि प्रबंध कंधरम स्वरक्षितं पुरक्षितं भवक्षितं मखक्षितं गजच्चि कांथ कच्चितं तमंत कच्चितं भजे। बेटा आने के वाय रक्तनो बंधन यहाँ क्या हुआ श्यामलाल? नहीं समझ लो साहब, आखिरी इच्छा पूरी करने शिवाजी जेल आया था, उसे फंसा कर भगाने की कोशिश करने वाला गायत्री मेहता पुलिस के हाथों मारा गया। तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। थैंक यू साहब, ज्योति प्रमोशन हो गया है, तुम्हारा स्मार्टफोन पक्का वीडियो कॉलिंग करेंगे। मैं बेटी को ढूंढ रहा था लेकिन भगवान ने मुझे बेटी के रूप में माँ दे दी। अब मैं कभी अनाथ नहीं हो सकता।